सिस्टम की हानियां, डेटा रिडेंसी, डेटा एक्सेस डिफिकल्टी, एक साथ उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग नहीं कर सकते और सिक्योरिटी का अभाव है। अब इंस्ट्रक्शन लेवल कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं ये? आते किसी को? डेटा मॉडल कौन कौन से होते हैं? डेटा मॉडल संबंध और ईआर डायग्राम का पूरा नाम क्या है? कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं? वीक एंटिटी किसे कहते हैं? पूर्ण जानकारी नहीं हो। एनोमलीज क्या होता है? इसमें अपडेट इंसर्शन डिलीशन की विसंगतियां हो। इसको दूर करने का काम कौन करता है? नॉर्मलाइजेशन। कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? कीज किसे कहते हैं? कीज कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी की, यूनिक की, नॉर्मल, कंपोजिट और कैंडिडेट की, फॉरेन की। चलिए, प्राइमरी की क्या होते हैं? किसी भी फील्ड को रिपीट होने से रोकते हैं, एक ही फील्ड में कार्य करते हैं, एक फील्ड में कार्य करते हैं। यूनिक की क्या होते हैं? जो एक से अधिक फील्ड में कार्य करते हैं। अल्टरनेट की और कैंडिडेट की क्या होते हैं? तो प्राइमरी की वो ठेकेदार होती है, उसे कैंडिडेट की कहते हैं, और अल्टर की अगर बच जाती है उसे अल्टर की। कहाँ बच जाती है? सिलेक्शन। प्राइमरी की के जो अफदार होते हैं कैंडिडेट में, जिसमें से एक चला जाता है, जो बची होती है उसको अल्टरनेट की कहते हैं। अल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। टपल किसे कहते हैं? टपल 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 वो फाइल न्यू किसी डेटा के रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड नहीं नहीं टेबल, फील्ड को, रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड से फील्ड लेते हैं, टेबल बनी रहती है। ग्रुप DDL कमांड्स कौन कौन से हैं? DDL create index है, insert है, नहीं drop, alter, drop, ठीक है। create की query बोलिए, table कैसे create करते हैं? table name bracket के अंदर जो भी आप बताएं, integer मतलब id integer name character character की insert की query बोलिए, insert into table name values और जो कैरेक्टर्स में है उसको डबल। अपडेट की क्वेरी बोलिए, अपडेट टेबल टेबल अपडेट टेबल नेम सेट पहले जो सेट जो आपको चेंज करना है वो, और फिर वेयर जो आपको ना पता है वो। डिलीट की क्वेरी बोलिए, डिलीट फ्रॉम टेबल और जो भी आपको डिलीट करना है। अल्टर की क्वेरी, अल्टर टेबल टेबल नेम एड सिटी, अल्टर टेबल टेबल नेम रोम सिटी। किसी बनी हुई टेबल में प्राइमरी की और यूनिक की जोड़ना है तो क्या करते हैं? टेबल टेबल ऐड प्राइमरी की जोड़ता है, ऐड सिटी और फिर प्राइमरी की। किसी टेबल को उड़ाना है पूरा तो क्या करते हैं? ड्रॉप 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 टेबल टेबल नेम। और डेटाबेस को हटाना है पूरा तो ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम डेटाबेस। ट्रंकेट क्या होता है? वो सारी रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, टेबल बनी रहती है। किसी फील्ड को उड़ाना है क्या करते हैं? अल्टर का प्रयोग अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप सिटी है। किसी फील्ड का नाम चेंज करना है तो अल्टर टेबल टेबल नेम चेंज कॉलम सिटी है तो इसमें चेंज करना है सिटी। टेबल का नाम चेंज करना है तो नेम टेबल टेबल नेम टू फील्ड नाम चेंज करना। वापस बोलिए, नेम टेबल टेबल नेम टू फिर जो चेंज करना है वो। जॉइनिंग क्या होती है? जॉइनिंग दो टेबलों को मतलब है ना जोड़ना। जॉइनिंग की क्वेरी बोलिए, सेलेक्ट ऊपर ऊपर से दो टेबल ऊपर ऊपर की टेबल के दो फील्ड और नीचे
बच्चे की टेबल से दो फील्ड, फिर जॉइन टेबल फ्रॉम टेबल वन ऑन टेबल टू, जो भी इसमें सर वो कॉमन हो उसको डॉट वापस बोलिए। ऊपर दो फील्ड नीचे दो फील्ड फ्रॉम टेबल वन जॉइन टेबल टू फ्रॉम टेबल वन ऑन टेबल वन डॉट आईडी बाबा टेबल टू डॉट आईडी। कौन कौन सी जॉइनिंग पढ़ी आपने? दो टाइप की इनर और आउटर। इनर के अंदर तो अपने लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन और फुल जॉइन। सारी जॉइनिंग के बारे में बताइए। लेफ्ट में तो वो जो पहली टेबल होती है उसके सारे रिकॉर्ड और दूसरी टेबल के जो कॉमन है वो आएंगे, राइट में पहली टेबल के जो कॉमन है और दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड, फुल में दोनों टेबल के जो एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करती है सर, और इनर सेल्फ सेल्फ इनर इनर नॉर्मल इनर में क्या होता है? इनर जॉइन में जो कॉमन होता है वो जॉइन होता है। हाँ क्रॉस जॉइन में मल्टीप्लाई करते हैं मतलब एक एक टेबल के बिल्ड और बाकी नीचे वाले टेबल के दो एक मल्टीप्लाई होता है। सेल्फ जॉइन में अपने आप को दो अलग अलग फील्ड में डिवाइड करके जोड़ने वाले। डीटीएल सॉरी डीसीएल कमांड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डीसीएल कमिट रोल बैक रिवोक ग्रांट ग्रांट और रिवोक ये टीसीएल में आता है। टीसीएल में आता है डीसीएल और को समझाइए ग्रांट और रिवोक क्या होते हैं। ग्रांट और रिवोक क्या काम करते हैं? किसको आता है? टीसीएल कमांड बताइए कमिट रोल बैक। जब हमने किसी फील्ड को बना दिया और हमें ये पता लगाना है कि ये लास्ट इससे आगे हम कोई भी फील्ड नहीं बनाते तो हम कमिट कर देंगे। अगर हमें फिर बाद में पता चलता है कि हमें कोई फील्ड बनानी है तो ना आगे फील्ड बना देंगे और ना फिर बाद में कोई और बोले कि ये फील्ड हमारे हटानी जो हमने लास्ट बनाने के लिए रोल बैक कर चुके हैं। किसी को बोलना वापिस डीसीएल कमांड को कमिट रोल बैक को आराम से क्या होते हैं डीसीएल कमांड्स बोलिए। ग्रैंड और रिवोक सर, ग्रैंड के अंदर हम एक विशेष व्यक्ति को वो अधिकार देते हैं, जैसे कि हमने उसको ये अधिकार दिया है कि उस फील्ड में वो सिर्फ डिलीशन या इंसर्शन ऐसे कुछ है ना वो कर सकता है, मतलब अधिकार है उनको ऐसे दे सकते हैं। और रिवोक में उससे वापस हो अगर वो कर हम चाहते हैं कि वो वापस अधिकार उनसे ले लें तो हम रिवोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है।